हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगी पैठनी सारी ड्रेपिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये जो ग्रीन पार्ट देख रहे हैं आप वो पल्लू का पार्ट है, और यहाँ पर से जहाँ पे प्लेटिंग शुरू हुई है वहाँ पर से हमारी साड़ी जो है वो स्टार्ट होती है, साड़ी का पल्लू। तो सबसे पहले आखिरी पार्ट को ले लेना है हमें, और ये देखिएगा लेंथ को ज़मीन पर लग के कुछ इस तरीके से मेजरमेंट करके आपको ऊपर की साइड टक करना है। पीछे की साइड थोड़ा फैब्रिक को खींच लीजिएगा, और उसके बाद जो है वो इसे साड़ी को टक कीजिएगा। थोड़ा सा राइट के तरफ से हमें टक करना है, देन आना है अभी पल्लू पे। तो यहाँ पे पल्लू को लेकर के पीछे की साइड आपको लेकर जाना है, और पल्लू को लेते जाते टाइम इतना ध्यान में रखिएगा, ये जो ऊपर वाली बॉर्डर है वहाँ पर से आपको ध्यान रखना है कि पल्लू जो है वो हमारा सीधे तरीके से आए। अभी यहाँ पे ये देखिएगा कुछ नए तरीके से पल्लू मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, तीन उंगलियाँ यहाँ पे अंदर से रखी है, और एक ये जो थंब है और लास्ट वाली यहाँ पे फिंगर है उसका यूज़ करके मैं यहाँ पे प्लेट्स बना रही हूँ। और अभी क्योंकि ये जो पैठनी साड़ी है वो कॉटन में है, तो ये फैब्रिक जो है वो इजीली ना सेट हो जाता है। तो यहाँ पर से देखिएगा कुछ कुछ डिस्टेंस बाद जो है वहाँ पर से मैंने प्लेट सेट किया है। अभी प्लेट सेट करते टाइम आपको इतना ध्यान में रखना है, ये जो प्लेट है ना वो इक्वली दोनों तरीके से यहाँ पर आना चाहिए, मतलब दोनों तरीके से चूड़ी लेफ्ट और राइट साइड से चूड़ी इक्वली डिस्टेंस पर आनी चाहिए ये। तो प्लेट्स को सेट करने के बाद थोड़ा जो है इसको प्रेस कर लीजिएगा, और प्रेस करने के बाद ये देखिएगा कुछ इस तरीके से प्रेस कीजिएगा, इससे क्या होता है प्लेट्स अच्छे से सेट हो जाती है। और अभी ये देखिएगा दोबारा से सेम डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे प्लेट्स बना लेनी है। पैठनी साड़ी जो होती है वो दो तरीके की होती है गाइस, एक जो आती है सिल्क में जो हेवी होती है यहाँ पे, और दूसरी आती है ये कॉटन में आती है, मतलब इसका फैब्रिक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो यहाँ पर से ये देखिएगा पल्लू को बना लेना है, और इसको मेजर कर लेना है कितने आपको मतलब कितनी लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर से मैं क्या कर रही हूँ अभी, क्योंकि ये जो आगे वाला पार्ट है ना वो फ्लफी है, मतलब इसका जो पार्ट है वो थोड़ा रफ है, तो मैंने क्या किया है थोड़ा डिस्टेंस लिया है यहाँ पे प्लेट्स का, दोबारा से इसको पिन अप कर देना है। और यहाँ पे ये देखिएगा पल्लू जो बनता है ना वो पीछे की तरफ जो है वो थोड़ा फ्लफी नज़र आता है, और ये जो उसके बॉर्डर के नीचे की जो प्लेट्स है ना वो फुली फुली नज़र आती है, और उसका पार्ट जो है वो दिखाई देता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, थोड़े डिस्टेंस बाद जो है वो दोबारा से यहाँ पे पिनअप किया है। यानी आप क्या कीजिएगा, शोल्डर एक पिनअप तो कर ही लीजिएगा, लेकिन जो बैक साइड में आते हैं ब्लाउज में, तो थोड़े डिस्टेंस बाद जो है वहाँ पर से दोबारा से पिनअप कीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिएगा पल्लू जो है वो हमारा अच्छे तरीके से यहाँ पर लुक दिखाई दे रहा है। अभी आगे की तरफ क्या करना है, ये इसको थोड़ा ये देखिएगा दोनों उंगलियाँ यहाँ पर बीच में रखे मैंने इसको प्रेस किया है। आप चाहे तो सिंगल सिंगल प्लेट भी यहाँ पर प्रेस कर सकते हाथ से। तो अभी ऊपर की तरफ से लेके आना है हमारे साड़ी का फैब्रिक, और यहाँ पर से ये देखिएगा लेफ्ट साइड से कुछ इस तरीके से टक करना है। अभी सेंटर से चार उंगलियाँ मेजर कर लेने के बाद यहाँ पे प्लेट्स जो है वो बनानी हमें स्टार्ट कर देनी है। अभी ये देखिएगा, ये जो ऊपर वाली की तरफ हम प्लेट्स बनाते हैं तो नीचे की तरफ अपने आप ही प्लेट्स का लुक दिखाई देता है। तो प्लेट्स में ज़्यादा यहाँ पे झंझट नहीं करनी पड़ती आपको, सिर्फ जो है वो पल्लू बनाने में, और ये जो हिप्स की प्लेट्स है वहाँ पर से ही थोड़ी दिक्कत जाती। ये अगर एक बार ही आप प्लेट सेट कर दोगे तो ये अपने आप ही प्लेट्स मतलब फैब्रिक जो है वो अच्छे से रह जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेट को खोल देना है हमें, और नीचे की तरफ यहाँ पे एक बार ही देखना है आपको प्लेट्स अच्छे से आई है या नहीं, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, और एक के ऊपर से एक एकदम नहीं प्लेट्स रखनी, थोड़ा जो है वो डिस्टेंस रखना है ताकि नीचे की साइड जो है वो हमारे प्लेट्स खुल के दिखाई दे। अभी आगे की तरफ जो हमारा लेफ्ट साइड में हमने फैब्रिक यहाँ पर टक किया था तो इसको हमें खोल देना है। अच्छा, प्लेट्स को आपको अगर लगे कि एक दो प्लेट्स यहाँ पे रह गई है तो नीचे की तरफ थोड़ा उसको सेट कीजिएगा। अभी इस फैब्रिक को खोल देना है, और ये राइट साइड की तरफ जो है उसको हाथ से कुछ इस तरीके से अंदर की साइड से खींच देना है। अभी यहाँ पे मैंने ये तरीका इसलिए ट्राई किया है क्योंकि फैब्रिक साड़ी का ज़्यादा है, और ये जो फैब्रिक है साड़ी का वो सॉफ्ट है, तो वो इजीली क्रिस क्रॉस यहाँ पे बन जाता है, और ये जो प्लेट्स के बीच का पार्ट है वो खुला खुला नहीं दिखता। तो यहाँ पे कमर की तरफ
थोड़ा पीछे की साइड इसको सारे को खींच लीजिएगा। आप पीछे की साइड खींचते हो ना तो ये फैब्रिक जो है वो अपने आप राइट की तरफ ऊपर चला जाता है, तो इसको थोड़ा नीचे की साइड लेके आना है। एंड देन लेफ्ट साइड में थोड़ी जो है वो यहाँ पे प्लेट्स यहाँ पे सेट करनी है इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारी सारी के प्लेट्स कितने अच्छे से उभर कर आई है। तो ये हो गया गाइस हमारा फाइनल लुक। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।